दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एवी ब्लॉक, जिसको हेड ब्लॉक भी बोला जाता है। ये जो हमारा रेडमी सीरीज है उसका ये सेकंड वीडियो है। उससे पहले हम जो आपका ब्रेड रेडमी होता है उसमें मेनली दो कोड होते हैं, एस ए नोड और एवी नोड। एस ए नोड से ब्रेड रेडमी हम पहले वीडियो डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो के अंदर हम जो सेकंड पार्ट एवी नोड से जो ब्रेड रेडमी जनरेट होते हैं, जिसको एवी ब्लॉक भी कहा जाता है और आपका हेड ब्लॉक भी कहा जाता है, वो इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला पार्ट आता है दोस्त, ये हेड ब्लॉक क्या होता है। हेड ब्लॉक होता है जैसे इम्पल्स आपकी एट्रिया है, एट्रिया से आपका वेंट्रिकल में जाता है। मान लीजिए ये आपका एट्रियम है, ठीक है। ये वेंट्रिकल में कैसे जाता है, एवी नोड के थ्रू जाता है। एवी नोड आपका दोनों का बीच जंक्शन होता है, इसलिए तो इसकी वजह से जो रिदम जनरेट होता है उसको जंक्शन रिदम कहा जाता है, यही रीजन होता है। तो इस एवी नोड के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से जो इम्पल्स जा रही हैं, या तो जो जितनी इम्पल्स जा रही हैं वो सारी ना जाएं या बिल्कुल ना जाएं, उसके ऊपर डिपेंड करके इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर वन एवी ब्लॉक होता है आपका प्राइमरी, एक फिर सेकेंडरी, एक आपका टर्शरी। तो तीन डिग्री ब्लॉक होता है। फर्स्ट डिग्री के अंदर आपका सभी जाते हैं लेकिन डिले होता है, ठीक है। इसके अंदर एक या कुछ इम्पल्स आपकी मिस हो जाती हैं, इसके अंदर सारी इम्पल्स है ना, कोई भी इम्पल्स नहीं जा पाती है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने ए ब्लॉक को डिवाइड किया है। हम इसे देखेंगे कि इसी चीज़ के अंदर वो कैसे पहचानना है। तो पहला पार्ट आता है दोस्तों फर्स्ट डिग्री ब्लॉक। फर्स्ट डिग्री ब्लॉक क्या होता है कि वेव तो सारी जा रही है दोस्त, लेकिन स्लो कंडक्शन है, नॉर्मल जो रेट होता है कंडक्शन करने का उससे कम रेट से आपका एट्रिया से वेंट्रिकल में इम्पल्स जा रही हैं, और लेकिन सारी इम्पल्स ऑल एट्रियल इम्पल्स कंडक्टेड टू वेंट्रिकल, सभी इम्पल्स जा रही है, मतलब आपके जितने भी नॉर्मल ईसीजी पैटर्न होता है ईच पी वेव इज फॉलोड बाई QRS इसके अंदर मिलेगा। लेकिन जो हमने PR इंटरवल के बारे में बात की थी इससे पहले, उसमें हमने देखा था कि PR इंटरवल होता ना वो आपका AV नोड से जो टाइम पीरियड होता है उसको एक इंडिकेट करता है। तो यदि वो टाइम बढ़ रहा है तो मतलब PR इंटरवल बढ़ जाएगा, PR प्रोलोंग। तो जैसे ये पी वेव है, QRS कॉम्प्लेक्स है, पी वेव से QRS के बीच की ये PR इंटरवल है यहाँ से यहाँ, तो ये नॉर्मल PR इंटरवल इतना होता है, तो इस केस में इतना बढ़ गया है। तो ऐसे ही आपका केस इसके अंदर PR इंटरवल बढ़ता है। आप रीजन जाना क्यों बढ़ता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ आपका रेजिस्टेंस होता है, इसके कारण इम्पल्स जो नॉर्मल टाइम पीरियड के दौरान जाती थी, नॉर्मल टाइम लेती थी, उसे ज़्यादा टाइम ले रही है। उसके बाद दोस्त आता है कि इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे। इसके अंदर दोस्त पेस मेकर होता है, जो एस ए नोड होता है वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसका जो कोज होता है ना उसको ट्रीट करना इसका मेन मैनेजमेंट होता है। इसके कोज क्या हो सकते हैं, ड्रग्स और डिस इलेक्ट्रोमिया। सेकेंड चीज़ आती है दोस्त सेकेंड डिग्री एवी ब्लॉक। ये क्या होता है, इंटरमीडिएट फेलियर ऑफ कंडक्शन फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल। इंटरमीडिएट मतलब यदि आपकी पांच वेव जा रही हैं दोस्त, मान लीजिए इसमें से मैंने इसमें समझा भी रखा है कि मान लीजिए ये आपका फोर रे नॉर्मल जाती है ऐसे नोड से वेंट्रिकल के अंदर, तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट आराम से चली गई, सेकेंड भी चली गई, ठीक है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लिया फर्स्ट ने, थोड़ा कम सेकेंड ने फर्स्ट से कंपेयर में थोड़ा ज़्यादा लिया, थर्ड गई नहीं, उसके बाद सेम साइकिल ऐसे ही हो जाएगी स्टार्ट, जो फर्स्ट से ऐसा था, इसमें थोड़ा कम टाइम ले रही है, इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रही है, इसमें जा ही नहीं रही है। तो क्या होगा कि इसके अंदर PR इंटरवल को हम या सेकेंड डिग्री ए ब्लॉक को हम दो पार्ट डिवाइड करते हैं दोस्त, एक आपका मोबिटीज टाइप वन, एक टाइप टू। इसके अंदर आपका सभी वेव नहीं जाती, इसकी वजह से क्या होगा, जो पी वेव होती है ना वो नॉर्मली QRS से फुल होती है, लेकिन इसके अंदर कुछ इम्पल्स नहीं जाएंगी, उस केस में पी वेव इज़ नॉट फॉलोड बाई QRS, ठीक है। और इसको हम दोनों टाइप वन और टाइप टू कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो टाइप वन है उसके अंदर जो आपका PR इंटरवल है वो आपका प्रोग्रेसिव है, प्रोग्रेसिवली इंक्रीज कर रहा है। इसके अंदर मान लीजिए 1 सेंटीमीटर है फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ, और इसके अंदर तो एक से ज़्यादा होगा, 1.5 हो सकता है। तो थर्ड वाला केस है ना उसके अंदर देखिए QRS कॉम्प्लेक्स ही नहीं है, तो इस केस को बोलते हैं बैंक के बैक फेनोमेना। ये आपका मोबिटीज टाइप वन होता है ना,
हेड ब्लॉक, ए वी ब्लॉक उसके अंदर देखने को मिलता है। इसका कोज क्या होता है? डिजोक्सिन आपका कॉमनली कोज होता है। ट्रीटमेंट क्या होगा? सजेशन, इसको हम डिसकंटिन्यू या इसको हटा लेंगे, पेसमेकर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सेकंड क्या होता है? सेकंड डिग्री में, सेकंड डिग्री मान लीजिए ये आपका चार वेव है, ये वाली चार वेव है 1 2 3 4 5, तो इसमें फिक्स होता है कि पहली जाएगी, सेकंड नहीं जाएगी, थर्ड सिंपल उसी टाइम पीरियड में जाएगी, फोर्थ नहीं जाएगी। तो इसमें आपका ऐसा नहीं है कि जो पहले वाले पार्ट में टाइप वन में था कि टाइम पी आर प्रोग्रेसिवली इंक्रीज कर रहा है, लेकिन इसके अंदर जो पी आर है ना वो तो फिक्स रहेगा, लेकिन सेम वैसे ही आपका सारी जो पी वेव है ना वो आपके क्यू आर एस को फॉलो नहीं करेगी, मतलब ईच पी वेव इज़ नॉट फॉलोड बाई क्यू आर एस। तो इसमें देखिए जैसे ये इसी जी है, तो पी वेव आपका ये नॉर्मल ये इंटरवल है, सेकंड में कोई आपका क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स नहीं है क्योंकि यहाँ पर इम्पल्स आई नहीं, थर्ड में आपका सेम उतना ही है जैसे ना जितना फर्स्ट में था, फिफ्थ में भी उतना ही है जितना फर्स्ट या थर्ड में था, ठीक है। ये आपका टाइप टू की कंडीशन आती है। ट्रीटमेंट कोज होता है इस्चीमिया होता है एवी नोड के अंदर, ट्रीटमेंट होगा आपका पेसमेकर। इस्चीमिया मतलब ये एवी नोड होता है ऐसे नोड के बाद काम करता है, तो इस्चीमिया हो जाएगा तो मतलब बिल्कुल काम का नहीं रहा, तो उस टाइम हमें पेसमेकर की रिक्वायरमेंट जरूरत पड़ेगी। ट्रीटमेंट पेशेंट होना चाहिए हीमोडायनेमिक स्टेबल, अनस्टेबल उसके अंदर ही हम ऐसा करते हैं, यदि स्टेबल है तो हम उसका उसको मेडिकल ट्रीटमेंट दे सकते हैं और ऐसी चीज़ करते हैं जो इम्प्रूव हो। उसके बाद इसके अंदर जो हार्ट रेट आता है वो आप मान लीजिए एट्रियल रेट 80 है, तो हार्ट रेट इसमें हाफ होगा 40 पर मिनट, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों दो में से एक वेव जा रही है, दो में से एक, तो मान लीजिए एट्रियन कॉन्ट्रैक्ट के 80 के रेट से, लेकिन वेंट्रिकल के पास तो 40 ही पूछी वेव, 40 ही पूछी, तो मतलब हार्ट रेट तो वेंट्रिकल वाला ही पता चलता है अपने को, इसकी वजह से आपका वो हो जाएगा आप हो जाएगा रेट। तीसरा आता है दोस्त थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक, इसके अंदर दोस्तों मैंने फर्स्ट वीडियो ऐसे ही बताया था, इसके अंदर कंप्लीट फेलियर हो जाता है कंडक्शन फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल। यदि कंप्लीट फेलियर हो जाता है तो दोस्तों जो पूरी कंट्रोल है वो आ जाता है वेंट्रिकल के हाथ में, उसी को बोलते हैं एडियो वेंट्रिकल रिदम। एडियो वेंट्रिकल रिदम होता है, इसमें क्या होगा कि जो वेंट्रिकल हैं वो डिफरेंट टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो इसकी वजह से वाइड क्यू आर एस मिलता है, राइट वेंट्रिकल अलग टाइम पे, और उसका जो कंडक्शन रेट है ना वेंट्रिकल का वो बहुत कम है, इसकी वजह से वाइड क्यू आर एस मिलेगा। और जो क्यू आर एस है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पी है, कैसे कि जो आपका पी है वो आपका एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, क्यू आर एस आपका वेंट्रिकल के रिप्रेजेंट करता है। तो इन दोनों में आपका वेंट्रिक नॉर्मल जो पाथ होता है वो एट्रिया से वेंट्रिकल होता है, लेकिन इसमें वेंट्रिकल अलग कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एट्रिया अपना अलग कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, दोनों को बेस का होता है एवी नोड वो ब्लॉक हो चुका है, इसलिए क्यू आर एस इंडिपेंडेंट ऑफ पी, ये इसी चीज़ के अंदर फाइंडिंग मिलती है। कोज क्या होता है इसके अंदर दोस्त? इन्फार्क्शन। और आपका जो ट्रीटमेंट है वो आपका हम पेसमेकर देंगे, जब आपका अनस्टेबल रेट से आपका कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वहाँ पर मेन रिक्वायरमेंट होती है पेसमेकर की। और इसके बाद दोस्तों हम इस वीडियो के अंदर नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बहुत कुछ टाइम के अंदर मैं बताने वाला हूँ कि 2-3 मिनट के अंदर आप कैसे पूरे ब्रैडीकार्डिया को समराइज कर सकते हो, तो ठीक है। यदि आपने वीडियो अभी तक देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब, साथ साथ आप वीडियो को लाइक भी करना, जिससे मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने में यार और ज़्यादा खुशी होगी कि हाँ लोगों को फ़ायदा हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो थैंक यू, बाय।